अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। यहाँ व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शाम में। भाई जो है वो शॉप पे जा रहे थे और साग यहाँ पे उनको तंग कर रहा था कि मैं भी जाऊँगा। जब उनको देख लेता है तो फिर इसी तरह ज़िद करता है कि मुझे ले कर जाओ। तो फिर भाई कभी कभी ले जाते हैं, दूध वगैरह लेने जाते हैं तो फिर इसको भी ले जाते हैं। यहाँ पर भाई इसके साथ शरारतें कर रहे थे और यहाँ पर इब्राहिम इस्माइल मदरसे से आ गए थे तो भाई वापसी में कल मैं दूध दे कर आए थे तो भाई समोसे वगैरह भी ले आए थे। यहाँ पर हमने फिर समोसे कचौरी वगैरह इंजॉय किया था खाने में। आज हमने दाल चावल बनाए थे। मैंने भाई को लेकर मार्केट जाना था, भाई की उम्र की जो शॉपिंग है वो तैयारी वो करवानी थी। पता नहीं इनके पासपोर्ट में क्या मसला आ रहा है, अल्लाह ही पाकिस्तान है। यहाँ पे कुछ भी आसानी से नहीं कर सकते। जब तक से आपको धक्के थक्के खवारी ना काटी जाए ना, तब तक से आपका मसला हल नहीं होगा। बस फिर यहाँ पे इनके मसले मसाइल थोड़े से चल रहे हैं। अभी 10 दिन का उन्होंने दोबारा से टाइम दे दिया और यहाँ पर दाल चावल रेडी हो गए थे जो बच्चे खा रहे थे। और मैं तो भाई के साथ बस मार्केट जाने के लिए निकल रही थी, रेडी हो रही थी कि आज उसको क्या में कपड़े वगैरह दिलाने थे, उसने अपनी छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी। बस फिर हम लोग क्या में शाम के 6:30 बजे थे यहाँ पे और मगरिब का टाइम होने वाला था, सूरज ग़ुरूब हो रहा था और हम अपने मार्केट की तरफ निकल गए थे। हम यहाँ पे आज जा रहे थे, हम सदर गए थे क्योंकि भाई कहते हैं सदर में ज़रा अच्छी क्वालिटी की पैंट शर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो मैंने चलो ठीक है, यहाँ पर हम सदर रात हो गई थी, रात में पहुँचे थे और यहाँ पे बस भाई ने अपनी सारी शॉपिंग वगैरह की। अब भाई के साथ जाना और फिर कैमरे को इतना ऑन रखना ये करना, फिर थोड़ा मुझे भी इतना वो हो रहा था। बिल्कुल बॉयज़ की सारी मार्केट थी ये, तो फिर मैंने ज़्यादा कैमरा ऑन नहीं किया, जितना हो सका मैंने बनाया और भाई की जल्दी जल्दी तैयारी करवाई और फिर हम वापस घर आ गए। वापस घर भी आया गया 11 बज गए थे हमें रात को आते आते, और यहाँ पे भाई को पसंद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं कौन सी जीन्स ब्लैक कलर पर ले रहे थे, जो इम्पोर्टेड होती है वो तो उसको यहाँ पे पूरी मार्केट में मिली ही नहीं। पर मैंने बोला एक चक्कर दोबारा तुम कहीं दूसरी जगह का या मॉल का लगा लेना, वहाँ से तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। इतनी इसने ख्वारी करवाई, कुछ भी इसको सही तरीके से पसंद नहीं आ रही। सारे इसने 6-7 कोई टी शर्टें ली हैं, वो मैंने अपने ही पसंद से इसको दिलाई हैं सारी, और शर्टें वगैरह जो भी है कुछ ले ही नहीं रहा था। पता नहीं कौन से माइंड पे बैठा था, इसको क्या चाहिए था मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं। हम लड़कियों किससे भी ऊपर कहीं मतलब माइंड का इनका सेट था कि सेट ही नहीं हो पा रहा था कि क्या लेना नहीं लेना। और यहाँ पे देखें हर कोई मैच वर्ल्ड कप के पीछे लगा हुआ है, जगह जगह में बस यही देख रही, हर कोई दुकान में बैठा हुआ मैच देख रहा था। बस पाकिस्तान ने वो कहते हैं ना दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने तोड़ा है भाई। और वैसे भी आजकल क्रिकेट मैच से ज़्यादा हमें तो फलस्तीन पर रोज़ रोज़ जो न्यूज़ सुन रहे हैं, बस इसके लिए इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और उनको दुआओं में याद रख रहे हैं हम कि बस अल्लाह ताला रहम कर दे, करम कर दे अपना, और ये जो फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, इसका इस पूरी दुनिया से नामो निशान मिटा दे। इस कदर बच्चों का और पूरे हंसता मुस्कुराता घर, बस बहुत दिल वो हो जाता है। और फिर यहाँ पे फिर उसके बाद हमने शॉपिंग कंप्लीट की और यहाँ पे आ गए थे हम खाना खाने के लिए, कि उसके घर में दाल चावल बने थे तो दाल चावल हमने खाए नहीं थे। यहाँ पे हमने पहले पूरी मार्केट वगैरह की, फिर उसके बाद ये हमारी सोसाइटी से नेक्स्ट सोसाइटी पे एक बहुत ही मज़े अच्छी बिरयानी खुली है यहाँ पे, बहुत ही इसका पुलाव का टेस्ट तो बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में भी था। तो हमने यहाँ पे अपनी बिरयानी इंजॉय की, फिर उसके बाद हम घर की तरफ वापस हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक से शेयर सब्सक्राइब कर दें, और कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना अपने चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।